सो हे गाइस, मैं हूं गौरव। आप देखें किसी टेक गौरव और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं सेकंड पार्ट टॉप टेक सीरीज का। सो गाइस, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जरूर जाके देखना। उसके अंदर मैंने बताया था टॉप 5 गैजेट्स अंडर 100 और ये उसका सेकंड पार्ट है। और इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको टॉप टेक अंडर 200। सो गाइस, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही धमाकेदार गैजेट्स, वो भी सिर्फ 200 रुपीज के अंदर। सो गाइस, 200 जो है ये बहुत ही स्टार्टिंग प्राइस ब्रैकेट है। इसके अंदर चीजें खोजना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं आपके लिए खोज के लाया हूं। और मैं आपको आज किसी भी तरह की फालतू गैजेट्स नहीं दिखाने वाला। मैं आज आपको दिखाऊंगा जो आपके डेली लाइफ में यूज आएंगे या डेली लाइफ आपकी आसान कर देंगे, इस टाइप के गैजेट्स। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि जो गैजेट्स हैं वो ऑफलाइन बाय करें। आपको ऑफलाइन ज़्यादा सस्ती मिलेगी कंपेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि आपको वहाँ पे डिलीवरी चार्ज पे करने पड़ते हैं। तो गाइस, पहला गैजेट है हमारी लिस्ट में, वो है एक मिनी ट्राइपॉड। साइज के साइज़ पे मत जाइए, काफ़ी बड़े बड़े काम करता है जो कि बड़े ट्राइपॉड नहीं कर सकते। तो गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, और साथ ही साथ में आप इसे व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें मोबाइल अडेप्टर पहले से मिलता है जिसमें आप फ़ोन अटैच करके इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फ़ोन के साथ। और गाइस, इसके स्पेशल फीचर की बात करें तो इसका स्पेशल फीचर है ये स्टील की बॉल बेयरिंग, जिससे आप किसी भी एंगल में एडजस्ट करके अच्छे अच्छे हाइपरलैप्स लोअर एंगल फोटोज ले सकते हैं, जो कि बड़े ट्राइपॉड नहीं ले सकते। और गाइस, इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है, इसकी प्राइस जस्ट 170 रुपीज़ है। तो गाइस, सेकेंड गैजेट है हमारी लिस्ट में, वो है एक लेंस, किट लेंस। सो गाइस, अगर आप एक मोबाइल फोटोग्राफर हैं या मोबाइल फोटोग्राफी करते हैं गाइस, तो आपके लिए एक मस्ट गैजेट है। मैं आपको जरूर रेकमेंड करूँगा कि ये गैजेट आप ज़रूर लें, क्योंकि इसमें आपको 3 टाइप के लेंस मिलते हैं जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, वो भी फ़ोन से। आपको किसी तरह की DSLR की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये जो है ये लेंस यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल लेंस है, मतलब आप इसे किसी भी फ़ोन में लगा के या किसी फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके स्पेसिफिक मॉडल के लिए नहीं आता, आप किसी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे ये ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिल रहा था। अगर आपको मिलता ऑफलाइन मार्केट में ज़रूर खरीदें, नहीं मिलता तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से खरीद सकते हैं। तो गाइस, हमें इसमें एक मिलता है ब्लैक कलर का कैरी पाउच, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतने सस्ते में आपको एक कैरी पाउच भी मिल रहा है जिसे आप कैरी कर सकते हैं लेंस, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस, ये हमारा जो है मेन कंटेंट है। सो गाइस, बात करें तो ये एक फिश आई लेंस इसमें पहले से लगा हुआ आता है, जो कि आप अनस्क्रू करके इसमें वाइड एंगल या मैक्रो लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये क्लिप ऑन लेंस है, मतलब आपको क्लिप को जो है अपने कैमरे के सामने जस्ट लगाना रहता है। साथ ही में गाइस, आप इसको लेंस कवर करने के लिए आपको इसमें कैप भी मिलता है। तो गाइस, अपना आप लेंस भी कवर कर सकते हैं, जिससे आपके लेंस को किसी भी तरह का स्क्रैच या खरोच नहीं लगेगी। और गाइस, ये जो मेरे हाथ में वाइड एंगल लेंस है, और अगर गाइस आप इसे अनस्क्रू करते हैं तो ये वाइड एंगल से मैक्रो लेंस बन जाता है जैसे आप इसे अनस्क्रू करते हैं। अगर एक साथ यूज़ करेंगे तो एज अ वाइड एंगल एक्ट करेगा, और अलग करके यूज़ करेंगे तो एज अ मैक्रो लेंस एक्ट करेगा, जिससे आप काफ़ी अच्छे फोटोज़ ले सकते हैं। और इसकी प्राइस गाइस 199 रुपीज़ है बस। सो गाइस, थर्ड गैजेट है हमारा, एक है ये वाईफाई अडेप्टर। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पीसी में वाईफाई नहीं है तो आप इसे यूज़ करके अपने पीसी में वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट का या वाईफाई डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी केबल के। सो गाइस, हम जिसे जैसे ही खोलते हैं हमें देख सकते हैं अंदर ड्राइवर की CD मिलती है, जिसे हमें इंस्टॉल करना रहेगा अपने विंडोज़ में। तो गाइस, ये विंडोज़ लिनक्स और iOS सबके लिए है ये। और गाइस, देख सकते हैं जो रिसीवर वो कितना छोटा है, मतलब ये कितना छोटा और कितने बड़े काम करता है, सोचने वाली बात तो ये है। गाइज, इसकी प्राइस जस्ट 200 रुपीज़ है। अब नेक्स्ट गैजेट है जो हमारे लिस्ट में, वो है ये गेम पैड। तो गाइज, इस गेम पैड की एक और खासियत है कि गाइज, ये जस्ट प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है। आपको किसी भी तरह के ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है पिछले गैजेट की तरह। इसे आप जस्ट प्लग कर सकते हैं, और जो भी गेम इसे सपोर्ट करता होगा, गेम पैड में सपोर्ट करता होगा, उसे आप खेल सकते हैं। इसमें आपको आगे USB मिलता है, और इसमें सारे मैंडेटरी बटन्स मिलते हैं, जैसे एनालॉग, L1, R2 सब कुछ मिलता है। अब नेक्स्ट गैजेट है गाइज, ये है एक ब्लूटूथ स्पीकर। सो गाइस, बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी अच्छी होने के साथ ही साथ में ऊपर एक रबर टाइप का मटेरियल चढ़ा है, जिससे आपके हाथ से जल्दी स्लिप नहीं होगा। पीछे आपको एक USB का मिलता है पोर्ट, साथ ही साथ में एक माइक्रो USB का, जिसमें आप लगा के चार्ज कर सकते हैं। साथ ही मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है, इससे आप फ़ोन भी रिसीव कर सकते हैं। आपको इसमें माइक भी दिया गया है, 4 बटन दिए गए ऑन ऑफ करने के लिए, प्ले पॉज करने के लिए, और साथ में कॉल उठाने के लिए भी। सामने की तरफ गाइस दिया गया आपको स्पीकर ग्रिल, जिसके अंदर स्पीकर है आपका, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड करता है।
सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी टॉप टेक सीरीज और चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। साथ ही साथ में गाइस वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ में गाइस ऐसी वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।